कोटा मेल प्रबंधन ने एक नोटिस जारी करके 6 जून से लॉकआउट की घोषणा कर दी, जिससे वहां कार्यरत करीब 650 श्रमिक और उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मोटा प्रबंधन की इस मनमानी के विरोध स्वरूप दूसरे दिन भी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। काले सड़क पर स्थित फैक्ट्री मैनेजर हरने के निवास पर जाकर सैकड़ों श्रमिकों ने आज भी नारेबाजी की। कुछ देर नारेबाजी करके श्रमिक वहां से निकल गए। मोटा स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का 150 साल पुराना गौरव अब इतिहास बनने जा रहा है। मिल प्रबंधन ने 6 जून से इस मिल की सभी विभाग बंद करके संपूर्ण लॉकआउट की घोषणा की है। 150 साल का गौरवशाली इतिहास वाली मिल अब बंद होने जा रही है। इस मिल की वजह से शहर को कामगार और औद्योगिक नगरी पहचान बनी थी, लेकिन अब यह मिल पूरी तरह बंद की कगार पर है। मोटा प्रबंधन के इस कदम से 650 श्रमिकों और उनके परिवार पर गहरा संकट आया है। उनके सामने इन श्रमिकों को अपना और अपने परिवार को आगे कैसे गुजर बसर करें, ये सवाल सताने लगा है। पूर्व विधायक राजू तिमांडे ने बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। बंद करण्याचं कटकारस्थान या ग्रुपचं चालवलेलं आहे। 17 मे रोजी आमच्या हातामध्ये बिनासहीचं एक पत्र लागलं की बा मोठा इंडस्ट्री बंद करण्यात येईल। त्या अनुषंगाने मी या विभागाचा माजी आमदार या नात्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ सांगा यांना पत्र दिलं आणि त्यांना सांगितलं की बा हा मिल सुरू राहायला पाहिजे, मिल बंद करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये। आणि त्या दिवशी मी हसन मुश्रीफ साहेबांच्या फोनवरसुद्धा बोललो की बा कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे आणि त्याच्यामुळे काम सुरू राहिलं पाहिजे, मिल सुरू राहिला पाहिजे, त्यांनी होकार दिला। त्याचप्रमाणे मागील 2 वर्षापासून प्रोसेसिंग आणि फोल्डिंग कार्यामध्ये वेळेवर पगार न सुद्धा दिल्या जात नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। मागील 15 महिन्यापासून प्रोसेसिंग आणि फोल्डिंगच्या खात्यांना लेऑफ दिला जातो, 3 महिन्याच्यावर लेऑफ दिला देता येत नाही, परंतु मागील कित्येक दिवसापासून लेऑफसुद्धा चालू आहे आणि तोही कामगारांचा पगार वेळेवर नाही आहे आणि म्हणून ही इंडस्ट्री सुरू राहिली पाहिजे यासाठी आम्ही सरकार दरबारी प्रयत्न करणार आहोत। वेळ प्रसंगी आंदोलनाची सुद्धा आमची भूमिका राहणार आहे। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।